हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कच्चे केले, जिसे हम बनाएंगे केले के कोफ्ते। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल कच्चा केला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एकदम कच्चे केले हैं। ये मैंने 1 किलो लिया है, लेकिन मुझे इतना नहीं डालना है, बस 4 से 5 ही केले का यूज करेंगे। इसे हमें छील लेना है। इसे हम 2 टुकड़े कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से छिल जाएगा। इसे छीलना बहुत आसान होता है। ये देखिए, एकदम आसानी से छिल के निकल जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा दाग लगा है, तो इसको मैं इस तरीके से निकाल दूँगी। और ऐसे ही हमें सारे केले को काट के छील लेना है, क्योंकि हमें बॉयल करना है। इसे तो छिल के नहीं होना चाहिए। अभी हम सारे केले को काट के छील लिए हैं। ये देखिए, छिलके निकल गए हैं सारे। और अब इसे हम धो लेंगे। धोने के लिए हमने नॉर्मल पानी ही लिया है, और इसे मलते हुए ही धोना है, ताकि जो तार सोना वो निकल जाए। अब हम एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे। इसे बॉयल करना है, तो इसमें पानी डाल देते हैं। पानी ना इसके बराबर ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसे हम इस टाइप के खुले बर्तन में ही बॉयल करेंगे, कुकर में नहीं करेंगे। इसमें ना हम बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। अभी हमने गैस पे चढ़ा दिए हैं, और इसे ढक देंगे। साइड से थोड़ा खुला रखेंगे, ताकि जो पानी है ना ऊपर ना आए। अभी इसे बॉयल होने देते हैं। तब तक हम इसमें डलने वाली सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 4 प्याज, जो मीडियम साइज़ के हैं। तो 2 प्याज मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड ही करना है। तो बहुत छोटे टुकड़े में नहीं काटेंगे। ये कट गया है, तो अभी हम इसे मिक्सर जार में रख देते हैं। अब हम एक टमाटर काट लेंगे। टमाटर भी हम मीडियम साइज़ का लिए हैं। इसे भी बड़े टुकड़ों में ही काट लेंगे। अगर आप थोड़ा खट्टा खाते हो, तो एक टमाटर और भी डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे थोड़ा लहसुन और हरा मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, जितना तीखा खाते हो। अभी हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राइंड हो गया है। इसे इतना ही रखना है। अभी हम इसे साइड में रख देते हैं। तब तक ये प्याज भी हम काट लेते हैं। और इसे बारीक काटना है, मोटा नहीं काटना है, क्योंकि इसे फ्राई करना है। तो मोटा रहेगा ना, तो जल्दी पकेगा नहीं, इसलिए बारीक काटना है। और मैंने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक काटा है। हमें 2 जगह यूज करना है इसे, मैं आगे आपको बताऊँगी। तो ये प्याज कट गया है। अभी हम देख लेते हैं कि हमने केले को बॉयल करने के लिए रखे थे, तो अभी हो गया कि नहीं। इसे हम किसी चाकू या फॉक से चेक करेंगे। तो देखिए, ये हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये एकदम परफेक्ट है, इतना ही रखना है। यहाँ पे देखिए, जो इसका पानी है ना, वो इसके कसाव की वजह से काला हो गया है। तो अभी हम इसे उतार लेते हैं, और इसे हमें साफ़ पानी से धोना है। ये अभी बहुत गर्म है, तो इसे पानी से धो लेते हैं, तो ये ठंडा भी हो जाएगा और साफ भी। ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। देखिए, अब हम इसे एक थाली में निकाल देते हैं, और इसे हमें मैश करना है। तो इस तरीके से हम इसे मैश कर देते हैं। हमने यहाँ पे मैशर का यूज किया है, आप हाथ से भी कर सकते हैं, ये हाथ से भी अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केले हमने बॉयल किए हैं, वो एकदम बराबर पका है। बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है। आप कभी भी केले बॉयल करें ना, तो एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं करें, उसे स्टील या नॉन स्टील के बर्तन में ही करें। इससे ना आपके बर्तन नहीं ख़राब होंगे। हमने इसे अच्छे से मैश कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें मसाले।
तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से बेसन। इसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने नमक लिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज जो हमने काटे थे ना, उसमें से आधा प्याज हम डालेंगे इसमें और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इस तरीके से हम जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे इसे तैयार कर लेना है। लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है थोड़ा भी, ये ऐसे ही गीला है तो बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी हम डालेंगे ना तो ये गीला हो जाएगा, इसे गीला नहीं करना है। तो अब आप देखिए ये तैयार हो गया है। अब हमें इसके गोले बनाने हैं। हम पहले हाथ को गीला कर लेंगे ताकि हाथ में चिपकेगा नहीं। हम इसे पेड़े का शेप दे रहे हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे बिल्कुल गोल बॉल जैसा भी बना सकते हैं, वो भी दिखने में अच्छा लगता है। मैं थोड़ा चिपटा करके बना रही हूँ, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही हम एक-एक करके सारे गोले बना लेंगे। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। कोफ्ते ना सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं। तेल को हम गरम कर लेंगे, उसके बाद इसे फ्राई करना है। एक-एक करके डालेंगे। गैस का फ्लेम हमने हाई किया है क्योंकि फैन चल रहा है तो आँच बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ऊपर से फ्राई हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा, फिर ना खाने में चिपचिपा लगेगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। यहाँ पे आप देखिए ये कढ़ाई में चिपका नहीं है बिल्कुल, वैसा का वैसा ही है। अगर ये गीला रहता ना तो ये चिपक जाता, इसलिए इसे पानी से नहीं गूंथना है। अभी ये फ्राई हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इस स्टेज पे ना इसे हम पकोड़े में भी सर्व कर सकते हैं, ये चाय के साथ या ग्रीन चटनी के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अभी हम सारे पकोड़े को निकाल लेते हैं और जो बचा है ना उसे भी हम डाल देंगे, उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा वीडियो स्किप किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। अभी ये भी हो गया है, थोड़ा और इसे क्रंची कर लेते हैं क्योंकि जब इसे हम ग्रेवी में डालेंगे ना तो टूटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके सारे पकोड़े बना लिए हैं। अब जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है ना, मतलब आप देख सकते हैं कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा तेल है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। पकोड़े बनाने थे ना तो इसलिए तेल हमने बढ़ा के डाले थे, तो अभी हम कम कर लेते हैं। बस उतना ही रखेंगे जितना सब्जी के लिए चाहिए। अभी इसको साइड में रख देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, 1 सूखा कश्मीरी मिर्च तोड़ के डालेंगे और उसके बाद डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे थे। अब इसे फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो जाए ना तो हमने जो ग्राइंड किया था ना मसाले के लिए, उसे भी डाल देंगे और अच्छे से इसे भी फ्राई करेंगे। इसे हमें इस तरीके से लगातार चलाते रहना है 1-2 मिनट तक, ताकि अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले हम वही डालेंगे जो पकौड़े में डाले थे। इसे 1-2 मिनट ही पकाना था, बाकी मसाले के साथ में पकाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच खड़ा गरम मसाला जो पीसा हुआ है, और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से ही डालें। अब इस जार में थोड़ा पानी डाल के मिला देंगे और इस तरीके से इसे चलाते रहेंगे और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले को तब तक फ्राई करना है जब तक तेल ना छूटने लगे। तो अभी देखिए मसाले फ्राई हो गए हैं।
इसे हम एक बार और चला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम ग्रेवी के हिसाब से ही डालेंगे, पानी हमने नॉर्मल ही लिया है। इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे चला के देख लेंगे, पानी कम लगेगा तो और पानी डालेंगे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी कम नहीं है, बराबर है, इतना ही चाहिए। तो अभी हम इसे ढक देते हैं और एक बॉयल आने देते हैं। गैस का फ्लेम हमने हाई किया है क्योंकि पानी को ही पकाना था, मसाला पक गया है। अब इसमें हम जो पकौड़े बनाए थे उसे डाल देंगे और इसे चला के अच्छे से मिला देंगे एक बार, ताकि सभी पकौड़े के अंदर जो ग्रेवी है चला जाए। तो इस तरीके से हमें चलाना है तो ये टूटेगा नहीं, ये मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक बार और बॉयल आने देंगे, इसे ढक देंगे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। एक बार फिर इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बराबर है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसे थोड़ा हाथ पे ऐसे मल के डालेंगे, इससे जो है ना फ्लेवर अच्छा आता है। अगर नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो इसका ग्रेवी है वो गाढ़ा हो गया है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं रखना है क्योंकि बाद में ठंडा होने पर भी गाढ़ा होगा और केले में ग्रेवी ज़्यादा सोखता है, इसलिए हमें इतना पे ही रखना है। ये एकदम बराबर है, ये आप रोटी और चावल दोनों से खा सकते हैं। ये बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ट्रांसफ़र करके भी दिखा देते हैं। तो ये हमारे केले के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।